हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को कैसे इजी वे में हल किया जा सके इसके बारे में। सब जगह आपको यही बताया जाता है कि 2 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप 2:1 यूज़ कर लो, 3 वर्ष का निकालना है तो 3:1 यूज़ कर लो, 4 वर्ष का निकालना हो तो 4:6:1 यूज़ कर लो, 5 वर्ष में 5:10। 5 वर्ष का तो जनरली बताया ही नहीं जाता, बिकॉज उससे ज़्यादा का क्वेश्चंस आते नहीं है। बट अगर हम आ जाए तो इसे हम कैसे ट्रिक से कर सकते हैं। हमें ट्रिक तो बहुत मुश्किल से 4 वर्ष तक की ही याद होती है, उसके आगे की हम कैसे याद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा उसके आगे के ट्रिक्स को याद करने में प्रॉब्लम भी होती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे उसी चीज़ को कि कैसे हम 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा अगर 7 कर दे 8 कर दे तो उन सभी के हम निकाल सकते हैं रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, सबसे पहले हम 2 वर्ष की देख रहे हैं, आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहली बात, 2 वर्ष का कह रहा है तो 2 लिख दो और लास्टली 1 रखो। अब 2 वर्ष के लिए तो बस 2 रेशियो होंगे तो 2:1। अगर इसी में आपको 3 ईयर्स कर दे तो आप इसमें क्या करोगे, 3 लिखोगे और लास्ट में आप लिखोगे 1। अब बात आई बीच की, बीच वाले में आप क्या करोगे कि इन 2 रेशियोज को जोड़ दोगे तो 2+1=3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 वर्ष के लिए 3:3:1। अब यहाँ पे अगर जैसे ही ये थोड़ा सा और इंक्रीज करता है तो ये हमसे बोलेगा 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए अब हम क्या करेंगे। तो हमने बोला स्टार्ट 5 लिख दो और लास्ट 1 लिख दो। अब हमारे पास बचे हैं क्या, तो 3+3 आप कर लोगे 6, उसके बाद आप करोगे 3+1, यह हो जाएगा 4। बिल्कुल आपका 4 वर्ष के लिए रेडी हो गया, आप इसे अप्लाई करके देख लो, ये बिल्कुल आपका यही रेशियो होने वाला है। इसके आगे अब हमें बोले, तो अगर हमें बोले 5 वर्ष के लिए तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे, 5 और 1 को हमने लिख दिया, 6+4 हमारा हो गया कितना तो 10, अगेन 6+4 हो गया 10 एंड अगेन 4+1 हो गया 5, और ये हमारा इस तरीके से रेशियो आ गया 5:10:10:5:1 का। उसी तरीके से यहाँ पे अब हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अगर इसी तरीके से हमारा बोले 6 वर्ष के लिए, सेम वे हमें अपनाएंगे, क्या करेंगे 6 से स्टार्ट करेंगे एंड 5+10=15। उसी तरीके से 10+10 हमारा हो गया 20 एंड 10+5 हो गया 15 एंड 5+1 हो गया 6 और लास्टली हमारा 1। इसी तरीके से जैसे ही आपको आगे बोले 7 वर्ष के लिए, सेम वे आपको कंसेक्यूटिवली इसी तरीके से निकालना लेना है, 7:21, 15+6 किया, फिर 15+20 किया तो 35, फिर हमने किया 20+15 तो यह भी आपका 35, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया तो ये हमारा हो गया 21 एंड फिर से हमारा 6+1=7। इसी तरीके से आपको कंसेक्यूटिवली सारे रेशियो जाएंगे। अगर आपको 8 ईयर्स के लिए बोले तो आप 8 ईयर्स में सेम चीज़ों को अप्लाई कर दोगे। अब इस पे जो सवाल बनते हैं वो आपको कैसे कैसे बनते हैं। अब जैसे कि सवाल दिख रहा होगा, आपसे बोला कि 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह आपका सवाल है कि 5% की अगर वार्षिक दर हो तो 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कितना निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, जैसा कि हमने बोला कि आप क्या करोगे, 2:1 अप्लाई करोगे। अब ये अप्लाई कैसे होता है क्वेश्चंस में वो भी आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। जनरली लोगों को यहाँ पे पता भी होगा, तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करो और इसके आंसर्स ज़रूर हमें बताओ, और जिन लोगों को नहीं पता है हम आगे यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं। हमने बात की है 25,000 रुपये की, कह रहा है कि 5% की दर है, 2 वर्ष के लिए आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 25,000 का 5% निकाल लेंगे। आपके 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे। 25,000 का हमने निकाला क्या, तो 5% निकालेंगे हम यहाँ पे, तो 25,000 का 5% कितना हो जाएगा, तो 25,000 × 5/100। इस तरीके से हमारा आ गया कितना, तो 1250। अब आपको 2 वर्ष के लिए बोला था तो आपको फिर से कर निकालना पड़ेगा एक बार और 5%, तो 1250 × 5/100, तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा 25 और ये 12 और ये हमारा 6,
तो यहाँ पे हमारा हो गया 62.5। अब टू रेशियो वन कह रहा था, तो आप क्या करोगे, टू में 1250 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 × 1250 प्लस वन में हम 62.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.5 ही रह जाएगा। तो 0 × 5 × 2 = 10, ये हमारा हो गया 2500 प्लस 62.5, तो ये ओवरऑल आपकी आ गई 2562.5 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ईजी वे से हम इसी तरीके से इसके सारे सवालों को इन द एग्ज़ाम आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे कि आपको बोले 3 वर्ष के लिए, और हमने आपको रेशियो बता के रखा है कितना, तो 331 का 1000 का आप निकालोगे क्या, तो 10%, तो 1000 का 10% हो जाएगा 100, फिर से इसका 10% हो जाएगा 10, एंड फिर से इसका 10% हो जाएगा 1। एंड 3 ईयर्स के लिए रेशियो हमने आपको बता के रखा है 331। जैसा कि हमने बोला, फर्स्ट ईयर में आप 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 100, सेकेंड के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 10, एंड लास्टली हमारे पास 1 है, तो ये हमारा हो गया 331 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 331, अगर आपसे इसी चीज़ में आपसे पूछ देता कि यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट की बात कर देता, तो 1000 प्लस 331 यानी कि 1331 रुपये हो जाते अमाउंट, बट हमसे बात किया चक्रवृद्धि ब्याज को तो सिंपली 331 हो गए। इसी में अगर आपको बोल दे कि 4 वर्ष के लिए आप निकालो 20% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का, तो हम आसानी से इसमें निकाल सकते हैं 25,000 रुपये का 4 वर्ष के लिए 20% की दर से। तो सबसे पहले तो 25,000 का 4 बार हमें 20% करना पड़ेगा, तो हमने एक बार किया 20%, यानी कि 25,000 का 1/5 आप करोगे तो 5,000, फिर से हम इसका 20% करेंगे तो 5,000 का 1/5 करेंगे तो 1,000, और फिर से हमने इसका किया 1/5 तो 20 × 5 हमारा हो जाता है 100, तो ये हमारा हो जाएगा 200, और फिर से अगर हम इसका 20% करेंगे तो 40। अब 4 साल के लिए हमें रेशियो तो पता है, यहाँ पे हमें 4 साल के लिए निकालनी है, और रेशियो हमने आपको बता के रखा है कि हम इसे कैसे निकालते हैं, तो 4641 कैसे निकाला, इस चीज़ को हमने आपको बताया कि एक ही 2 ईयर के लिए 2:1, 3 ईयर के लिए 3:1, 4 ईयर के लिए 4:6, 4:1, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे किया, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 5000 प्लस 6 × 1000 प्लस हमारा हो जाएगा 4 × 200 एंड प्लस हमारे पास बचा है 40, ओवरऑल हो जाएगी हमारी 20,000 एंड यहाँ पे हमारा 6,000, फिर हमारा 800 एंड फिर हमारे पास हो गया 40, तो ये हमारा आ गया 04862, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आपसे ओवरऑल राशि पूछ रही है, तो ओवरऑल राशि के लिए हम क्या करेंगे, 25,000 रुपये हमारे पास थे और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे बन के आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 26840 हो गए हैं, तो इस तरीके से ये ओवरऑल हमारा हो गया कितना, तो 51840 रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए। ये थी आपकी 4 वर्ष के लिए। अब अगर आपसे यहाँ पे 5 वर्ष के लिए पूछा कि हमारे पास 10,000 रुपये की राशि है, आप उसे 5 वर्ष के लिए इंटरेस्ट निकालो 10% पे, तो बिल्कुल हम सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, और 5 वर्ष के लिए रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष का हमने आपको बताया 4641, और हमने बोला 5 ईयर्स के लिए हम इसी से निकाल लेंगे, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने इसे किया 5, तो हमने इसे यहाँ पे कर दिया क्या, तो 5, रेशियो हमारा हो गया 6410, रेशियो फिर से 6410, रेशियो हमारा 5 एंड रेशियो 1, इस तरीके से ये हमारा ओवरऑल बनके तैयार हो गया है। अब जैसा कि हमने बोला 10,000 का आपको बोला 10%, यहाँ पे एक और ज़ीरो डाल देते थे कि हमें यहाँ पे, बिकॉज हमें तो बस समझने हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन बड़ा करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसका 10% निकालेंगे तो 10,000, फिर से इसका 10% निकालेंगे तो 1,000, और फिर से इसका 10% निकाल लिया तो हमारा 100, एंड फिर से 10% निकाला तो 10, इस तरीके से फिर से 10% निकाला तो 1, तो ये हमारा हो गया 5 10 10 5 1, तो 50,000, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5,000 प्लस, यहाँ पे हमारा 10 था, यहाँ पे सबसे पहले तो 50,000 हमने कर दिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करने थे तो फिर से 50,000 हो गए, इस तरीके से ये आपका बढ़ते जाएगा, और फिर हमारा फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे,
यहाँ पे अगर ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50,000, एंड अगेन 10 से हुआ तो ये हमारा कितना हो गया, तो इस तरीके से आपका आ गया ये 10,000, और फिर से हमने किया तो ये हमारे पास हो गया 1,000, एंड फिर हमने किया 50 + 1, ओवरऑल इसका जो ऐड करके आएगा 1, इस तरीके से ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। उस तो ये सारे आपको होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जनरली सवाल, जिसके लिए हमने आपको बताया है इसे निकालने का तरीका। कैसे लगे आपको ये तरीका, ये आप हमें लाइक कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।